Hello, bachcho, let's see the question. White light is incident normally on a glass plate thickness 500 nm and refractive index 1.5. The wavelength in the visible region 400 to 700 nm that is strongly reflected. So, hum likhenge pehli baat to ki wo jo mil raha hai hume strongly reflected ka matlab hum maximum mil raha hai us color ka. So, maximum ke mil raha hai to isko hum likhenge 2n minus 1 lambda by 2. ठीक है और n का जो वैल्यू है वो वैली कर सकता है या n इसको 2n plus 1 भी कर सकते हैं चलो माइनस लेंगे तो 2 म्यू कितना है आपका 1.5 टी कितना है 500 nm ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू 2n minus 1 into lambda by 2 तो ये हो गया आपका 4 1.66 into 500 nm अपॉन 2n माइनस 1 ठीक है तो अब अगर अपन इसको n को वेरी करते हैं मान लो अपन ने n को लिख लिया 1 सो अगर n बराबर 1 है तो जो लैम्डा आ रहा है आपका कितना आएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 1 यानी कि आपका आएगा 3000 nm तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया n बराबर 2 पर n बराबर 2 पे क्या होगा लैम्डा जो होगा ये 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 10000 ठीक है फिर n बराबर 3 रखते हैं तो ये 365 हो जाएगा तो ये आएगा 600 nm फिर अगर n बराबर 4 रखते हैं तो ये 8 और ये 7 इसका मतलब परफेक्ट नंबर नहीं आएगा हमारे पास है ना और n बराबर को मैं 8 4 रख के देखता हूं तो ये आ रहा है आपका 4 रखा तो 3000 अपॉन 7 लेकिन कोई परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा जैसे वहां पे दिया और n बराबर को मैं 5 रखता हूं तो ये हो गया 9 तो भी आपका नहीं आएगा परफेक्ट नंबर तो लैम्डा कितना आएगा आपका लैम्डा आएगा 500 into 60,000 by 9, that means 1000 upon 3. और अगर n बराबर में 6 रखता हूँ, तो lambda कितना आएगा? 6, 12, 11, यानि कि 3000 by 11 nm. तो ये भी दिए गए नंबर में से नहीं होगा, तो perfect number कौन सा आ रहा है? 600. तो इसका मतलब सही answer जो हो गया हम लोगों का, वो 600 यानि कि B हो जाएगा. ठीक है? All the best.